योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, यानी शरीर में लचीलापन कैसे लाया जाए। कई लोगों को लगता है कि अगर एक घंटा मैं रोज वॉकिंग कर लेता हूं या जिम कर लेता हूं तो बिल्कुल फिट हूं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल फिट नहीं हैं। जब तक शरीर में लचीलापन नहीं आएगा, और ये लचीलापन आता है सिर्फ योगाभ्यास से, आसन करने से, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आज मैं आपको दिखा रहा हूं दो एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। सीधे बैठ जाइए पद्मासन में, एक बार पद्मासन लगाइए, आराम से 10 सेकंड तक बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए, पैर को उतारिए नीचे सुखासन में, पैर को फैलाइए वज्रासन में बैठ जाइए, पैर मोड़िए, बिल्कुल शरीर सीधा रखिए, धीरे धीरे घुटनों के बल ऊपर की तरफ उठिए, दोनों हाथों को जमीन पर रखिए, हाथ में 1 फीट का फासला रखिए, पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए, पैरों में भी 1 फीट का फासला रखिए। आप चाहे तो पैर को ज्वाइंट भी कर सकते हैं, लेग ज्वाइंट कर लीजिए, इसमें थोड़ा आराम रहता है। अब दाहिने पैर को, राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आइए, इस तरह से खींच के ऊपर देखिए, धीरे धीरे बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को ऊपर नीचे करिए, ये देखिए स्ट्रेच। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी फायदेमंद है यह एक्सरसाइज। रिलैक्स, पैर को पीछे करिए, वापस दूसरे पैर को आगे ले आइए, ऊपर देखिए, स्ट्रेच करिए, पैर को पीछे ले जाइए, नीज को जमीन पर रखिए, आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। तो ये थी पहली एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आइए इस एक्सरसाइज से होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। जब हम ऊपर की तरफ इस तरह से जाते हैं, पैर को आगे ले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेच आता है हिप्स और थाइज के बीच में, और पूरे स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हाथ और पैर में ताकत आता है। ये काफ़ी फायदे होते हैं इस एक्सरसाइज से। तो अब देखते हैं आज की दूसरी एक्सरसाइज। आइए इसे करने का तरीका जाने। धीरे धीरे घुटनों के बल ऊपर की तरफ उठिए, हाथ को जमीन पर रखिए, दोनों पैरों को पीछे रखिए, नीज को ऊपर उठाइए घुटने को। अब दाहिने पैर को, राइट पैर को उठाइए और लेफ्ट वाले हाथ के पास इस तरह रखिए, बैठ जाइए, धीरे से एक तरफ बैठ जाइए आराम से। अब दोनों हाथों को एक तरफ राइट साइड में दाहिनी तरफ ले जाइए, दोनों हाथों के बीच में जमीन को छूने की कोशिश कीजिए, फोरहेड से या नाक से, इस तरह। आप देख सकते हैं काफी स्ट्रेच, काफी खिंचाव पूरे शरीर पे। 10 सेकंड तक रुके रहिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए, वापस हाथ रखिए, पैर को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए, अब दूसरे पैर को आगे ले आइए, बाएं पैर को ले आइए राइट वाले हाथ की तरफ, इस तरह से। दोनों हाथों को बाईं तरफ ले जाइए लेफ्ट में, सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ झुकिए। काफी स्ट्रेच पूरे शरीर पे। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर हो, वो लोग इसे ना करें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस एक्सरसाइज में। सांस लेते हुए वापस आइए, धीरे धीरे हाथ को सामने रखिए, पैर को ऊपर ले जाइए, वज्रासन में आ जाइए, बैठ जाइए। तो ये थी आज की दूसरी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा आप देख सकते हैं कि जब आप पैर को एक तरफ ले के बैठते हैं तो हिप्स और थाइस के बीच में काफ़ी तनाव आता है, काफ़ी खिंचाव आता है, काफ़ी स्ट्रेच आता है, जिससे यहाँ की चर्बी कम होती है। जब आप एक तरफ झुकते हैं तो हमारे वेस्ट पे काफ़ी खिंचाव आता है, वेस्ट की चर्बी कम होती है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जब आप जमीन को छूते हैं तो पूरे शरीर पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मोटापा कम होता है। तो ये थी आज की दूसरी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं आज की तीसरी एक्सरसाइज। हाथ को जमीन पे यूं रखिए सामने,
दोनों पैरों को पीछे रखें, पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट और थाइस को जमीन पर छोड़े, हाथ नहीं मुड़े। ध्यान रखिए, हाथ बिल्कुल सीधा, काफी स्ट्रेच पेट स्पाइन थाइस पे, देख सकते हैं आप। 10 सेकंड तक रुके रहिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। तो ये थी आज की तीसरी एक्सरसाइज। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जब आप हाथ को ऐसे रख करके दोनों पैरों को यूं इस पोस्चर में आते हैं तो हाथों और पैरों में काफ़ी ताकत आती है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए पेट स्पाइन पीठ थाइस हर जगह काफ़ी स्ट्रेच आता है, यहाँ की चर्बी कम होती है और पूरी तरह से शरीर बलवान हो जाता है, सुडौल हो जाता है। वापस आइए, बैठ जाइए वज्रासन में। तो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज। अब देखते हैं आज की चौथी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दोनों पैरों को सामने इस तरह फैला दीजिए, पैरों में दूरी बनाइए लगभग 3 फीट की, हाथ पीछे रखिए। अब दोनों हाथों को राइट साइड में ले जाइए, यानी बाएं हाथ को उठाइए और दाहिनी की तरफ ले जाइए। पहले सांस लेके आप सीधा होइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जमीन छूने की कोशिश कीजिए फोरहेड या नाक से, काफ़ी स्ट्रेच पूरे शरीर पे। 10 सेकेंड तक रुके रहिए, सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए। ठीक इसी प्रकार हाथ को दूसरी तरफ ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकिए, जमीन छूने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की तकलीफ हो, वो लोग इस एक्सरसाइज को ना करें। सांस लेते हुए वापस सीधा, पैरों को मोड़िए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चौथी एक्सरसाइज। इससे हिप्स थाइस वेस्ट तो कम होता ही है, पूरे शरीर का मोटापा भी कम होता है। तो दर्शकों, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थी यह 4 एक्सरसाइज। योगा फॉर लाइफ के अगले एपिसोड में कुछ नए आसनों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।